सो गाइस, आज की वीडियो में हम जानेंगे अगर आप जो है अपने जीमेल अकाउंट को, गूगल अकाउंट को जो है अपने मोबाइल में साइन इन करने का ट्राई करते हैं, और जब आप अपने अकाउंट को साइन इन करने का ट्राई करते हैं तो आपको ये एरर दिखाता है, दिस अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन योर डिवाइस। अब यहाँ पर आपको ये दिखाता है कि आपका जो अकाउंट है पहले से ही आपके मोबाइल में लॉगिन है। तो ऐसे में जो है आपको करना क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको चेक करना है गाइस, आपको जब अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद अब आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा अकाउंट एंड सिंक का ऑप्शन, इस पर आ जाना है। देन उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे मिलेगा आपको गूगल, गूगल पर जाना है। अब आपको देखना है यहाँ पर सभी अकाउंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जितने भी जीमेल अकाउंट आपके होंगे। अब जो जीमेल अकाउंट आप डालकर लॉगिन करने का ट्राई कर रहे हैं, साइन इन करने का ट्राई कर रहे हैं, वो चेक करना है यहाँ पर पहले से है या नहीं है। अगर यहाँ पर वो अकाउंट है तो आप समझ जाइए कि वो पहले से ही लॉगिन है, और यहाँ पर जो आप फिर से डालेंगे तो आपको ये दिखाएगा ही दिखाएगा। एक जो अकाउंट होता है वो दो एक मोबाइल में दो बार नहीं यूज़ कर सकते आप, ठीक है। आप जो अलग अलग मोबाइल में उसको यूज़ कर सकते हैं, बट सेम अकाउंट को, सेम जीमेल को दो बार यूज़ नहीं कर सकते, दो बार नहीं डाल सकते, तो आपको ये एरर आएगा। तो आपको करना क्या है, आपको एरर आ रहा है तो आपको यहाँ से सबसे पहले यहाँ पर जितने भी अकाउंट्स होंगे गाइज, सबसे पहले तो देख लेना है आपका अकाउंट है या नहीं है। अगर ऑलरेडी है तो भी आपको एक काम कर लेना है, आप चाहते हैं फिर वो अकाउंट जो है आपका काम नहीं कर रहा है तो भी आपको बोल रहा है, तो आपको करना क्या है, यहाँ से सबसे पहले आपको जो बारी बारी से अकाउंट को ओपन करना है और यहाँ से मोर पर क्लिक करना है और रिमूव अकाउंट कर लेना है। आपका जो भी अकाउंट होगा उसको रिमूव करना है गाइस। यहाँ से रिमूव करने के बाद जो है फिर अब आपको डाल के देख लेना है, तो आपका अकाउंट जो है वहाँ पर आप साइन इन कर पाएंगे, ठीक है। आप दोबारा उसको साइन इन कर पाएंगे, फिर से आपको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और ये सब करने के बाद देख सकते हैं आप जो ऐप्स पर आइए, मैनेज ऐप्स पर आइए और एक और काम कर लीजिए। प्ले स्टोर जो होता है, प्ले स्टोर का आपको जो है यहाँ पर स्टोरेज पर आना है और इसका क्लियर डाटा कर लेना है गाइज। प्ले स्टोर का क्लियर डाटा आपको कर लेना है, देन उसके बाद बैक आ जाना है। ये सब कर लिया है आपने, बस यही सब करना है और आपको पावर बटन दबाना है और रिबूट या रिस्टार्ट या फिर पावर ऑफ करके ऑन कर लेना अपने मोबाइल को। आपको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी गाइज। अगर आपको फिर से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं कोई और सोल्यूशन आपके लिए लेकर आऊँगा। होप आपको सब कुछ समझ आ चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।